हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप मस्त होंगे। तो मैं आपका दोस्त हेतराम आपका स्वागत करता हूं अपने एक न्यू ब्लॉग में। तो अभी फ़िलहाल मैं आज बेडू चराने नहीं गया हूं, तो अभी फ़िलहाल बेड़े अंदर ही है। तो आज हम जौ को धूप में रखेंगे, तो उनको 2:30 बजे के करीब निकाल देंगे। तो आज मैं आपको दिखाऊँगा कि पहाड़ पर जौ को किस तरह से अलग किया जाता है। दोस्तों, छोटा भाई यहाँ से जौ को ले जा रहा है धूप में रखने के लिए, तो इसके बाद मैं भी ले जाऊँगा। तो रही मेरी वाइफ और बेटी। तो दोस्तों, ये फ़िलहाल सारे कपड़े धूप में निकाल दिया, और आपको बता दूँ ये मेरा घर है। तो चलिए अब पहले ले जाते हो, तो उसके बाद आपसे बात करते हैं। फिलहाल दोस्तों, हमने सारे जो यहाँ से निकाल दिए। तो छोटा भाई वीडियो बना रहा है, तो फिलहाल हमने वहाँ पे इकट्ठे करके रख दिया है। तो अब इनको एक एक करके साइड साइड में अलग अलग करेंगे। तो अभी कुछ और भी ले आने के लिए है, तो पहले उनको ले आते। तो फिलहाल दोस्तों, सारे जो हमने निकाल दिया है, तो अभी हमने उनको एक एक करके अलग अलग कर रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मम्मी लगे हुए हैं इनको रूम में रखने के लिए। दोस्तों, मैं बेडू चराने आ गया था। तो आजकल लगभग सभी लोग अपने जौ या गेहूँ की मंडाई पे लगे हुए हैं। तो अभी मैं आपको दूर से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी जौ की मंडाई लगी हुई है। तो चलिए दोस्तों, मैं भी अब घर के लिए निकल जाता हूँ। तो मुझे भी अब घर वालों की हेल्प करनी होगी जौ निकालने में। तो उन्होंने तो जौ की मंडाई कर ली होगी, तो अब उनको छानने के साथ छानना ही पड़ता है। तो चलिए अब सीधा आपको घर में मिलता हूँ मैं। फिलहाल दोस्तों, मैं घर में पहुँच गया हूँ। तो मम्मी लगी हुई है अभी काम करने। तो बीनू भी लगा था अभी तक, तो ऊपर अर्शु को दिखा दूँ। तो अर्शु स्कूल का काम कर रहा है। वो फाइनल दोस्तों, पापा जी पहुँच गए। तो पापा भी काम कर रहे हैं अभी। तो जो ठीक सामने वाला आप दिख रहा है, तो कचरा निकला इससे, तो अब इसको साफ करेंगे और बोरिंग डाल देंगे। तो चल दोस्तों, ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो ब्लॉग को लाइक में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो गए, तो मुझे फॉलो करना भी ना भूलें। तो चल दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक चलिए, बाय।